فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه من غير ما استقل عن غير الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا. शुक्रिया अदा करते हैं उस काबिल तहदीर का जिसने हमें एक और दिन अपनी मार्फत और अपनी जस्तजू के लिए आदा किया। आज गुफ्तगु यही है, हमारी गुफ्तगु यही है, चूँकि इंसान खताओं का पुतला है, मासूम नहीं है, या बेगन बहरहाल इंसान से गलती हो ही जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह हो जाता है, लेकिन वो रहमान है, वो रहीम है, उसने गलती के बावजूद भी इंसान को अल्लाह से जुड़ने के लिए रास्ता बताया है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गलती करता है, हम मासूम नहीं, अनिल ख़ता नहीं, ऐसा नहीं है कि हमसे ख़ता नहीं हो सकती, गुनाह नहीं हो सकता, लेकिन उस परवरदगार आलम ने हर तरीक़े से कोई ना कोई गुंजाइश रखी है इंसान को अपनी तरफ बुलाने के लिए। अब जब हमसे गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो ऐसे बहुत इबादत करते हैं, अल्लाह की नमाज़ें पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि इबादतों में सिर्फ नमाज ही है, मैं पहले भी कह चुका था और आज भी दोहरा रहा हूँ, इबादत अल्लाह ने खुम्स व ज़कात देना यह भी इबादत है, गरीबों की मदद करना, बेवाओं को उनका हक दिलाना यह भी एक इबादत है, हर वो काम जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए वो इबादत है। इस्लाम आया ही अदालत इज्तिमाई के लिए है, ताकि इंसान फ़र्द समाज में जो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है वो इंसान आदिल बन सके, एक कामयाब और एक गैरतदार इंसान बन सके। तो जब हमसे गुनाह हो जाती है तो अल्लाह ने उसका भी एक बहुत ही आसान तरीक़ा रखा है, मगफिरत का रास्ता, इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना उसकी बारगाह हमें। अच्छा, क्या होता है कि हमसे गुनाह हो जाते हैं या हम ये सोच कर गुनाह करते हैं कि चलो अल्लाह ने तौबा के लिए तो कहा ही है, हम ये गुनाह कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम तौबा कर लेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसे तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होने वाली। जब तक दिल में खलूस नहीं होगा तब तक वो दुआ वो तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने मगफिरत, और एक बात ये कि ऐसा नहीं है कि इस्तग़फ़ार और मगफिरत सिर्फ गुनाह के मुकाबले में आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमसे गुनाह सरज़द हो जाए तभी हम इस्तग़फ़ार करें, परवरदगार आलम हमें माफ़ कर दे, हमसे ये गुनाह हो गया, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस्तग़फ़ार एक मुकम्मल इबादत है। अगर ऐसा ही होता तो फिर अल्लाह कुरान में क्यों ये कहता कि अदा जा नसरुल्लाह वल फतह, कि मेरे हबीब मदद आ गई, नुसरत आ गई, फतह आ गई, और जब आप देखें लोग फौज दर फौज दीन खुदा में दाखिल होने लगे तो क्या करो, फसबह बिहम्द रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तौबा, कि अपने रब की तस्बीह करो। अल्लाह किससे कह रहा है? रसूल से, जो मासूम है, अनिल ख़ता है, जिनसे कोई ख़ता नहीं हो सकती। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस्तग़फ़ार फ़कत सिर्फ और सिर्फ गुनाह के मुकाबले में नहीं आता। अज़ीज़ा नेमा, हम अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को लाए, हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहें कि परवरदगार आलम तो मुझे माफ़ कर दे। अगर सिर्फ इस्तग़फ़ार गुनाह के मुकाबले में आता तो हरगिज़ अल्लाह ने कहता है मेरे हबीब जब देखो आप लोग फौज दर फौज दीन खुदा में दाखिल होने लगे
तो अपने रब की तस्बीह करो और इस्तगफार करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये इस्तगफार की तस्बीह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल से कह रहा है जो खुद हिदायत के लिए आए हैं लोगों की, इस्तगफार करो, मासूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मासूम है तो रसूल से कहा कि रसूल तुम इस्तगफार करो, क्यों, वो बेहतरीन तौबा को कबूल करने वाला है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है कि जो इस्तगफार में और आता है। तारीख का एक बहुत ही मुख्तसर सा वाक़िया है, लेकिन इंसान को इस वाक़े को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए कि एक मरतबा कुछ लोग एक जगह में मौजूद थे और मौलाए कायनात भी मौजूद थे वहाँ पे, और जो लोग थे मौलाए कायनात के साथ, उन्हें कुरान फहमी का दावा था कि हम कुरान समझते हैं। तो इतने में जब लोग बैठे थे, एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या मौलाए कायनात, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा गुनाह हो गए हैं, कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि जिससे मेरे गुनाह बख्शे दिए जाएं। तो मौलाए कायनात ने कहा कि इस्तगफार करो, अल्लाह बेहतर कबूल करने वाला है तौबा का, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो शुक्रिया अदा किया, मौला का चला गया। अभी वो ठीक से गया भी नहीं था, एक शख्स और आ गया कि यार, या अमीरुल मोमिनीन, बहुत ही घर में मुफलिसी आ गई है, एकदम राशन खाना सब कुछ ख़त्म हो चुका है घर में, मुश्किल से 3 वक्त का खाना वो हो पाता है, बाल बच्चे घर में भुखमरी हो चुकी है, कोई नुस्खा बताइए जिसकी वजह से ये मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो कहा कि जाओ इस्तगफार करो, वो चला गया। वो गया, एक और शख्स आ गया, सारे एक ही वक्त के वाकयात हैं। वो गया, एक और शख्स आया, आकर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी कोई औलाद नहीं है, कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि मैं साहिबे औलाद हो जाऊं। मौला ने कहा कि जाओ इस्तगफार करो। अब जो मौला के साथ में बैठे थे वो हैरत में है कि जो आ रहा है उससे कह रहे हैं जाओ इस्तगफार करो, मगफिरत करो, औलाद नहीं है, इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, खाना नहीं है, इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, गुनाहों है, गुनाहों की तौबा करना, इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। वो गए, अभी इतने में मदीने के करीब के कुछ लोग आ गए, या एक शख्स आया आकर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से एक बाग लगाया था, बाग तैयार हो गया था कि एक ऐसी आंधी आई कि सारा का सारा मेरा बाग तबाह बर्बाद हो गया, कोई नुस्खा बताइए, कोई तरीका बताइए कि जिसकी वजह से मेरा बाग भी वापस मिल जाए मुझे और मैं मुतमईन हो जाऊं। तो मौला ने कहा कि जाओ इस्तगफार करो। अभी वो गया ही था कि इतने में एक और शख्स आ गया कि आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं मदीने के करीब के गांव से आया हूँ, हम लोग बहुत ही मेहनत और मुशक्कत से एक नहर खोद कर गाँव तक लाए थे, लेकिन वो नहर सूख गई है, अब कोई हमें नुस्खा बताइए, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो मौला ने कहा कि जाओ जाके इस्तगफार करो। अब वो परेशान है जो मौला के साथ बैठे, वो सब जो आए थे, मौला का शुक्रिया था कि आपने नुस्खा बता दिया, इस्तगफार करेंगे, चले गए। अब जो साथ में थे मौला के, वो परेशान हैं, ये क्या आप कर रहे हैं, जो आ रहा है उसे इस्तगफार के लिए कह रहे हैं, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझाइए। तो मौला ने कहा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा है। कहा तो फिर सूरह नूह नहीं पढ़ी? कहा पढ़ी है। कहा सूरह नूह में अल्लाह ने कहा है कि देखो, तुम तौबा करो, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है, इस्तगफार को कबूल करने वाला है, और याद रखो जब तुम तौबा करोगे, वयुम्दिदकुम बे अमवाल है, जब तुम तौबा करोगे तो वो तुम्हें माल देगा, और जब तुम तौबा करोगे, इस्तगफार करोगे तो वो तुम्हें औलाद देगा, इस्तगफार करोगे तो वो तुम्हें नहरें देगा। जन्नत कहते हैं बाग को, जब इस्तगफार करोगे अल्लाह तुम्हें बाग देगा। वो हैरत में पड़ गए कि हमने ये आयत तो आज तक पढ़ी नहीं है, पढ़ी है लेकिन समझ में नहीं आई है, वजह क्या है। कहा समझ में आएगी कैसे, जब तक तुम्हारे दिलों में बुग्ज के ताले लगे होंगे, जब तक तुम एक दूसरे के पीछे भागोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम अल्लाह को मारफत के लिए, अल्लाह ने अपने बंदों को हिदायत के लिए कुछ ऐसे ऐसे हस्तियों को भेजा है कि जिनकी तरफ तुम रुजू कर सकते हो।
हमारी इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल में यही तो जुमला कहा है कि परवरदिगार आलम तू मेरे उन गुनाहों को बख्श दे, उन गुनाहों को मुआफ़ कर दे जो मैंने तुझसे छुप कर अदा किए हैं, जो तुझसे छुप कर किए हैं। ऐसा जुमला मौला क्यों फरमा रहे हैं? मासूम हैं, हम सब जानते हैं ऐसा कर ही नहीं सकते मौला, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं? वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो आने वाले अपने जो उनकी कौम है और जो आने वाला ज़माना था यानी इस ज़माने के लिए वो फरमा कर गए हैं। उनकी जिंदगी ये सहीफ़ सज्जादिया सहीफ़ आलविया इस्तग़फ़ार से भर पड़ा है। मौला इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, इसका मतलब कि इस्तग़फ़ार सिर्फ और सिर्फ गुनाह के मुकाबले में नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी और आपको कामयाब होना है तो ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार करते रहिए, अल्लाह आपको रास्ता दिखाता रहेगा। और याद रखिएगा, इस्तग़फ़ार करना ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर इस्तग़फ़ार करूँगा कोई जान गया तो वो कहेगा तुमने ऐसा गुनाह किया, बिल्कुल भी नहीं। ये जहन में आपने बिल्कुल ये सवाल लाइए ही नहीं, क्योंकि जब भी आप ऐसे ऐसे सवालात जहन में लेकर आएंगे आप कश्मकश में पड़ते ही जाएंगे। इसीलिए कि देखिए, इस्तग़फ़ार करना एक इबादत है और झुकता वही है जिसमें जान होती है। मौलाए कायनात ने यही फरमाया है कि इंसान झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को उस एतबार से चलाइए जैसे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया है, और अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार करते रहिए हर वक्त। जब भी आपको मौका मिले एक वक्त निकाल लीजिए, या नमाज के बाद या जब भी घर पे खाली टाइम में बैठे हैं, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लिया करें। इससे आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आज के गुफ्तगू यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार आलम तो जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कि इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियाने हज़रे करार इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमाए। ऐ परवरदिगार आलम तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम सब के गुनाहाने सगीरा और कबीरा को माफ़ कर। ऐ परवरदिगार आलम तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमें जो बीमार हैं उनको बीमार करबला के सत्ते में शिफाय कुल्ली अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, ये दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है और अब एक ऐसे वारिस की ज़रूरत है जिसे तूने पर्दे में छिपा रखा है, जो इस दुनिया को अदल इंसाफ से भर दे। हमारी मुराद इमाम ज़माना है, उनके ज़हूर में ताजील अता फरमा और हम सबको उनके आवाज़ अनुसार में शुरू।